जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की अपनी जो रोज आपकी टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़ते हैं, प्रश्नों को याद करते हैं, रचनाओं को याद करते हैं, हिंदी साहित्य को याद करते हैं, ठीक है। रोज आपकी सुबह 9:30 बजे क्लास होती है ट्रिकी वीडियो की, तो देखना ना भूलें, हर रोज सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, LT ग्रेड या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो उनके लिए ट्रिकी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो पूरा वीडियो सिर्फ आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना, ना कुछ याद करना है ना कुछ, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है। चार विकल्प है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और यहां पर जरा खेत की तरह भी देख लेना, खेत की तरफ, कि देखो कैसे पीली आंधी आई है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रभा खेतान। दोस्तों, आपने देखा कि पीली आंधी कहां पर आती है, खेतन में आती है, खेतों में आती है ना, क्योंकि जब सरसों फूलता है तो पीला पीला आंधी आ जाती, ठीक है। तो कहां आती पीली आंधी, खेतन में। तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन होंगी, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद हुआ बिल्कुल। तो अगला प्रश्न बताना है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अपनी खबर किने नहीं रहती, अपनी खबर जो उग्र हो जाते हैं, जो उग्र हो जाते हैं उन्हें अपनी खबर नहीं रहती कि मैं मर रहा हूं कि जी रहा हूं कि क्या हो जाएगा, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती जो उग्र हो जाते हैं। तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी होगी, किसकी होगी, उग्र जी की, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आत्मकथा की बात आई है दोस्तों, तो आत्मकथा आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद की क्या है, सत्य की खोज, सत्य की खोज है ना, बनारसी दास जैन अर्धकथानक है ना, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अंधा युग के रचनाकार कौन है, अंधा युग। दोस्तों, आपको पता है कि धर्म ना हो तो युग भी कैसा हो जाता है, अंधा युग हो जाता है। आपने देखा होगा इतिहास में, धर्म विहीन राज्य अंधा युग रहा, धर्म विहीन राज्य का जो युग रहा वो अंधा युग रहा। धर्म की बहुत ही भूमिका रहती है, इसलिए अंधा युग होगा जिसमें धर्म नहीं होगा। तो अंधा युग के रचनाकार कौन होंगे, धर्मवीर भारती है ना। एक रचना और याद रखना, मुक्ति बोध जी की कामायनी पुनर्विचार, कौन सी, कामायनी पुनर्विचार इनकी रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी पुनर्विचार मुक्ति बोध जी की है, ठीक है। अज्ञे जी को भी याद रखना है, अज्ञे जी मुक्त भी रचनाकार हैं अपने, कितनी नाव में कितनी बार है ना, ये भी याद रखनी है। बहुत सारी रचनाएं हैं प्रयोगवाद के माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि हैं अज्ञे जी। अगला बताना, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, काव्य रूप आपको बताना है, और रीति काल आपने पढ़ा है, सिद्ध काव्य धारा है ना, आपने पढ़ा है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है ना, रीति काव्य धारा में ये धाराएं पढ़ी हैं आप लोगों ने। और दोस्तों, आपको एक मुक्त धारा भी है रीति काल में, कौन सी है, रीति मुक्त। तो रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया जाएगा, मुक्तक काव्य यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया, मुक्तक काव्य अपनाया गया, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि कौन थे, बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि बताना है। और दोस्तों, यहां पर आ रहा है भाव है ना, और यहां पर आ रहा है आपका उत्तर मती। तो आपको पता होगा दोस्तों, भाव, हम बोलते ना यार कि मेरे भाव बन रहे हैं कि कुछ अच्छा खाया जाए है ना, भाव और मती, आप बोलते यार उसकी कैसी मती हो गई, उसने ऐसा काम कर दिया, बोलते ना। तो मती यानी कि भाव, और भाव यानी कि मती। तो भाव से के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, मती, क्योंकि मती और जो भाव है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतीराम, ठीक है। भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, मतीराम थे, आ नंबर आपका सही होगा। भिखारी दास के भी रीतिकाल के हैं, देव कवि भी आपको पता है ना, रीतिकाल से संबंधित है। पद्माकर आपके भक्तिकाल से संबंधित हैं, देव कवि ने
आपने संचारी भाव पढ़े होंगे 33, लेकिन 34वां संचारी भाव किसने माना? देव कवि ने। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला बताना है आनंद अरुणोदय की रचयिता कौन है दोस्तों? आनंद अरुणोदय, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, कुंभनदास या फिर प्रेम घन। और दोस्तों अगर प्रेम के बादल छा जाएं, प्रेम के घन छा जाएं, तो आपको आनंद आता है कि नहीं आता? सभी को आनंद आता है। तो प्रेम के बादल छा गए, बोले प्रेम के घन छा गए, तो आनंद आ रहा है। तो आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? प्रेम घन। प्रेम घन यानी विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते दोस्तों भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी के नाम पर सभी को पता है कि इनके नाम पर आधुनिक काल का प्रथम काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है इन्हीं के नाम पर रखा गया। और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। 1850 में हुआ और 1885 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? भारतेंदु जी की। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कुंभनदास तो आपको पता है अष्टछाप के कवि हैं, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है कुंभनदास के, ठीक है। अगला बताना है अछूत की शिकायत के रचनाकार कौन है? चार विकल्प है, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। दोस्तों एक चीज बताना है आपको, आपने वो फिल्म देखी होगी सूर्यवंशम, सूर्यवंशम देखी ना, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम क्या होता है? हीरा। और हीरा के साथ ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो अछूत हो। कैसा हो? अछूत हो। तो अछूत की शिकायत यानी कि हीरा डोम, हीरा डोम, ठीक है, हीरा डोम। आ नंबर आपका याद रख लेना, हीरा डोम है ना। और लालदास की एक रचना है दोस्तों अवध विलास। अवध विलास कई बार पूछी गई है। लालदास की रचना कौन सी है? अवध विलास है। शिवराज सिंह बेचैन, इनकी एक रचना कई बार पूछी जाती है दोस्तों, चमार की चाय। कौन सी है इनकी रचना? चमार की चाय। किसकी? शिवराज सिंह बेचैन, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी, 2017 की ये रचना, इसका रचना काल है चमार की चाय का, ठीक है। अगला बताना है करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? करुणा कादम्बिनी, तो दोस्तों एक चीज बताना कि अपने संसार में देखा होगा कि सबसे ज्यादा करुणा व्यक्ति कब करता है? कब करता है? जब व्यक्ति चला जाता है, बोले गया, बहुत अच्छा था गया, है ना, इस दुनिया से। और जब तक जिंदा रहा, जब तक पानी नहीं दिया एक लोटा, और बोले गया, बहुत अच्छा था। तो करुणा बरसा रहे हैं, तो करुणा बरसा रहे किसके लिए? गए के लिए। तो गया करुणा कादम्बनी के रचनाकार होंगे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और इनका एक उपनाम भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि त्रिशूल किसका उपनाम है? किसका? त्रिशूल किसका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है त्रिशूल, ठीक है। बात करें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो दोस्तों ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे? संपादक बने थे। अब देखना बहुत सारे लोगों को क्या रहता है इसमें, कंफ्यूज रहता है। कैसे? सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे, संस्थापक वो कौन थे? चिंतामणि घोष। कौन थे? चिंतामणि घोष थे, ठीक है। संपादक को बने महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन दूसरे संपादक, प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, ठीक है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ठीक है। संपादक कौन थे? श्याम सुंदर, ठीक है ना, याद रख लेना। लेकिन 1903 में कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। बालमुकुंद गुप्त की बात करें तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कहा जाता है, समन्वय का कवि कहा जाता है बालमुकुंद गुप्त को, ठीक है। और मैत्रीचरण गुप्त को तो पता ही है, यानी राष्ट्र कवि कहा जाता है मैत्रीचरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती है ना इनकी रचना है। अगला है साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों एक हिंदी साहित्य में चलता है 12 का आंकड़ा, 12 लकी नंबर है हिंदी साहित्य का। 12 कैसे लकी नंबर है? यहां पर 12 लिखा, आपने देखा कि साकेत में कितने सर्ग? 12, ठीक है। और रामानंद के कितने शिष्य? कितने शिष्य? रामानंद के 12, ठीक है। और वारकरी संप्रदाय जो है, जो आपने देखा होगा, कौन सा? आलवार संप्रदाय में कितने हैं? 12, है ना। आलवार कितने थे? 12 आलवार थे। तो वारकरी नहीं, आलवार, ठीक है। आलवार भी आपको याद रखना है ना। तो ये 12 का चक्कर बहुत भयंकर है दोस्तों, 12 12, बहुत सारी चीजें आती है। वैसे ही साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और इनके 12वें सर्ग में कभी कभी पूछा जाता है कि किस सर्ग में
लक्ष्मण और उर्मिला का जो है मिलन हुआ है साकेत के, तो 12वें सर्ग में हुआ है। ठीक है, तो 12वें सर्ग में याद रखना है। अगला बताना है जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था, आरंभिक उपनाम बताना है। दोस्तों बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, है ना। और जयशंकर जी प्रसाद जो है ये छायावाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आधार स्तंभ माने जाते हैं और प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रवर्तक माना है, किसी ने सुमित्रा नंदन को माना है, किसी ने जयशंकर प्रसाद को माना है, तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जो आरंभिक उपनाम था वो क्या था, कलाधर। क्या नाम था, कलाधर। अगर आपको कला सीखनी है, कला सीखनी है तो आप कहाँ जाओगे, शंकर जी के पास जाओगे, है ना। कहाँ जाओगे, शंकर जी के पास जाना, भगवान कला सिखा दो हमें। तो कला सीखनी है तो कहाँ जानी, शंकर जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम था कलाधर। ठीक है, अब दोस्तों मधोप उपनाम एक कई बार पूछा गया है, तो मधोप उपनाम था किसका, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था, मधोप। ठीक है, त्रिशूल किसका था, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम था क्या, त्रिशूल। वैद्यनाथ जो मूल नाम था वो किसका था, नागार्जुन का। किसका था, नागार्जुन का। तो ये उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा दोस्तों आपको बताना है, दो सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि लोहा कितना भी गर्म हो, लोहा कितना भी गर्म हो, जब धर्म के पास आता है तो ठंडा हो जाता है, धर्म के पास आता है तो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा लोहा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, धर्म के पास आता है तो लोहा ठंडा हो जाता है, तो धर्मवीर भारती, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें महावीर महादेवी वर्मा की, छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री, आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनकी एक रचना है यामा, यामा के लिए इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रख लेना। इनकी रचनाएं और भी हैं, रश्मि है, नीरजा है, निहार है, महादेवी वर्मा जी की, इनको आपको याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनने आदिकाल नाम दिया, है ना। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके ही ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक और श्रेष्ठ रचना पूछी जाती है, अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये रचना किसकी है, तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। फिर आपको बताना है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, सिद्ध साहित्य, जी हाँ दोस्तों, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की, राहुल सांकृत्यायन की, सरहपा की, या फिर रामचंद्र शुक्ल की। अभी तक आपने पढ़ा है दोस्तों कि सिद्ध काव्यधारा, सिद्ध काव्यधारा पढ़ा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य ये पढ़े हैं आपने, लेकिन आज रचना भी पढ़ लो कि सिद्ध साहित्य जो रचना है वो किसकी है, धर्मवीर भारती की, है ना। और आपको पता है कि धर्म में बहुत सिद्धि चलती है, आपने बोला कि मैंने वे मंत्र का जाप किया मुझे सिद्धि हो गई, तो सिद्धि हो गई यानी कि सिद्ध साहित्य, है ना, तो धर्मवीर भारती, इस प्रकार से याद रख लेना इनकी रचना है। और राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहपा को माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है दोस्तों मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और मेरी जीवन यात्रा और किसकी है, तो जमुना देवी बजाज की भी आत्मकथा का नाम है, जमुना देवी बजाज की आत्मकथा का क्या नाम है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, सरहपा की बात करें तो हिंदी के प्रथम कवि हैं, और इनकी एक रचना है कौन सी, दोहा कोश, इसको भी आपको याद रख लेना, दोहा कोश। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल तो है ही हिंदी साहित्य का इतिहास इनका। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनका 1929 में प्रकाशन हुआ था, है ना, तो याद रख लेना है। अगला आपको बताना है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, हिंदी शब्दानुशासन। दोस्तों एक चीज बताना कि शब्दों का अनुशासन किसको सिखाया जाता है, किसको सिखाया जाता है, जब एक बालक किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसे सिखाया जाता है शब्दों का अनुशासन। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन होंगे, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, याद रख लेना, इनकी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। और दोस्तों आपको याद रख लेना है, कभी आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंगद पेज के रचनाकार कौन है,
प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको बताना है। दोस्तों एक चीज बताना, आपने रामायण देखी होगी और आपने देखा होगा अंगद रहते एक अंगद, और अंगद अपना पैज रोप देते हैं लंका में, किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से अंगद ने पैर रोप दिया। तो अंगद पैज ईश्वर की कृपा, यानी कि ईश्वरदास, ठीक है, इनकी रचनाकार हो जाएंगे। नाभादास के बारे में आपको पता है, इनकी रचना है कौन सी? भक्तमाल है, ठीक है, भक्तमाल जीवन व्रत कहलाता है, और भक्तमाल की टीका लिखी किसने? प्रियादास ने, ठीक है, किसने लिखी? प्रियादास ने, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अग्रदास भक्त है, नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, और दोस्तों अग्रदास की एक रचना है कौन सी? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी किसकी रचना है आपसे पूछा जाएगा, तो ये अग्रदास की है, ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अपराजिता के रचनाकार कौन है? अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल, दिनकर तुलसीदास, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको बताना है, आप जिस भी अंचल के हो, आप जिस भी अंचल मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, आप जिस अंचल के हो वहां पराजित होगे क्या? नहीं होंगे। हर व्यक्ति अपने अपने अंचल में कैसा है, मैं तो अपने अंचल में अपराजित हूं बोलूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तो अंचल में क्या है? अपराजित हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल है ना, अपराजिता के रचनाकार होंगे अंचल साहब, है ना। दिनकर के बारे में सभी को पता है, उर्वशी इनका श्रेष्ठ, उर्वशी इनकी रचना है, ठीक है, और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी एक रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है, वो भी याद रखना है, ठीक है। तुलसीदास कवि का भी नाम है, तुलसीदास निराला जी की रचना भी है, ठीक है, निराला जी की रचना है, ये चीज भी याद रखनी है। तुलसीदास नाटक है एक दोस्तों, तुलसीदास नाटक मधुसूदन जी की है, मधुसूदन का एक नाटक है तुलसीदास, तुलसीदास नाटक, तो वो भी याद रखनी है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, और अपराजिता के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। अगला बताना, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया, दोस्तों एक चीज बताना कि देहाती दुनिया में क्या होता है, वो नहीं जानते कि अगर मगर क्या कुछ, वो जानते हैं कि मैं शिव की पूजन करता हूं और शिव ही मेरी सहाय करेंगे। क्या करेंगे? शिव ही सहाय करेंगे, कहां पर? देहाती दुनिया में। तो देहाती दुनिया किसकी होगी? शिव पूजन सहाय, क्योंकि शिव की पूजन ही सहाय है देहाती दुनिया में। तो आपका जो विकल्प नंबर एक है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रख लेना। बात गोकुलदास की बात करें तो दोस्तों आपको कई बार बताया है, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये जीवन व्रत हैं गोकुलदास के, इनको भी याद रखना है। हालाते कन्हैया की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 17, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया, दोस्तों एक चीज बताना कि आपको पता है लॉकडाउन में हालात भी बिगड़ गए, किसके? अमीरों के भी, अच्छे अच्छे अमीरों के हालात बिगड़ गए। तो हालाते कन्हैया किसकी है? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो याद रख लेना, ठीक है। विद्यापति को सभी जानते हैं, इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, ठीक है, अभिनय जयदेव भी, और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल, ठीक है, किसे? विद्यापति को। और पद लता पताका इनकी रचना है, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये किसकी है? विद्यापति जी की है, ठीक है। और जायसी का पद्मावत तो आपको पता ही है। मंगलसूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेमचंद की जब मैं आपको रचना याद करवाऊंगा ट्रिक से, तो प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र क्या रह गया? अधूरा रह गया। प्रेमचंद जी का जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये क्या रह गया? अधूरा रह गया। और ये मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद जी का है, ठीक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें दोस्तों तो इनकी एक रचना है संपत्ति शास्त्र। क्या है? संपत्ति शास्त्र, बहुत ही श्रेष्ठ है, कई बार पूछा गया संपत्ति शास्त्र, है ना। और याद रख लेना, कुशल लाभ की तो आपको पता ही है ना, कुशल लाभ, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ, कल्लोल कभी भी कभी कभी ऐसे आता है, ठीक है। अगला बताना है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? अब जयशंकर प्रसाद की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इनका एक कामायनी नाम का महाकाव्य है, कामायनी नाम का, ठीक है, जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने बहुत नाटक लिखे हैं, इन्होंने सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है, प्रायश्चित इनका नाटक है,
कामना इनका नाटक है, कल्याणी परिणय है, राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। कभी आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक इसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला आपको बताना है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कहाँ जाते हैं, शंकर जी की पूजन करने जाते हैं, सज्जन पुरुष, है ना, याद रख लेना। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है दोस्तों, तो जल्दी से बताएं। मैं आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, और ये क्या है, आत्मकथा है, बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछी गई आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखें, ठीक है। अब दोस्तों आपका चैलेंज प्रश्न की बारी है, और चैलेंज प्रश्न में आपको उत्तर बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, 1903 में, 1900 में, 1901 में या 1920 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, ये आपको बताना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है, दो लाइन मोटिवेशन की जरूर लिखना है, ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कितना आप जानते हो वो भी आपको कमेंट में लिख देना है, सरस्वती पत्रिका के बारे में जो जानते हो वो भी कमेंट में लिख देना है, ठीक है, और पिछले वीडियो जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है। पिछले वीडियो में हमें विनय पत्रिका की भाषा पूछा था कि भाषा क्या है, तो ब्रजभाषा है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, है ना, ब्रजभाषा है, ठीक है, याद रख लेंगे। और जो भी हमारे साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च कर लेना IAS स्टडी ट्रिक, और ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जो भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हिंदी साहित्य से, वो 9098609291 इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, और आप ज्वाइन हो जाना हिंदी साहित्य का व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम नेट एग्ज़ाम, JRF, PGT, LT ग्रेड और RPSC एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।